क्लोजिंग नोट में मैं आजकल के हवाले से जो पेंडेमिक ग्लोबल पेंडेमिक है उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई हम अपने इर्द गिर्द अपने आसपास में ज़रूर हम जो है उन लोगों का ख्याल रखें या उन लोगों के बारे में सोचें कि जो बेचारे किसी तरह से जो है वो अपनी ज़बान नहीं खोल सकते हैं या अपनी परेशानी या अपनी मुसीबत के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो हम जाकर उनके चेहरों को पढ़ें, हम जाकर जो है किसी न किसी तरह से कोई भी कांटेक्ट मिल जाए, उनके दोस्त अहबाब मिल जाए, उनके पड़ोसी मिल जाए, उनके जानने वाले को मिल जाए। हमारे ही पड़ोस में अगर अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं, अगर अच्छा नहीं समझते या आप ये महसूस करते हैं कि वो शायद बुरा मान जाए, तो आप किसी और ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट को देखें और उनसे उनके अहवाल पूछें और किसी न किसी दर्जे में जहाँ हो सके उनकी अल्फाज के जरिए या किसी तरह से माली मदद के जरिए उनकी देखभाल करें और उनसे ज़रूर पूछें कि भाई इस वक्त जो है वो किस तरह से अपने गुजर औकात चल रही है और किसी न किसी दर्जे में ज़रूर जो है उनकी हेल्प करें कहीं भी हो जाए। आप सिर्फ अपने दो अल्फाज भी जो है और मीठे अल्फाज से आप अगर उनसे मिलकर बात भी कर लेंगे और वाकई अगर वो आपके अल्फाज सुनेंगे तो वो मुतासर होंगे ज़रूर और वो वाकई ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ कोई तो है जो मुझसे पूछ रहा है मेरे हाल के बारे में कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि हर शख्स जो है किसी न किसी तरह से वो कहीं ना कहीं वो माली तौर पर या कुछ और हालात की वजह से जो है परेशान है। तो अपने लिए तो सब ही जीते हैं, जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद लोगों औरों के काम आना, तो कोशिश ये हो और इसको सुन्नत के दर्जे में ज़रूर समझ के करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है किसी बच्चे को ईद वाले दिन जाकर जो है पहले जोड़ा पहनाया, उसको नया जोड़ा पहनाकर ईद की खुशियाँ उनमें बांटी, फिर जाकर ईद की नमाज़ पढ़ने वहाँ पहुँचे। तो हम कोशिश करें कि भाई हम थोड़ा सा कम खा लें मगर हम अपने बराबर वाले के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने जानने वाले के बारे में या जो हमसे हमारे सामने ऐसा कुछ नजर आए उसकी ज़रूर देखभाल कर लें। तो ये मेरा आखिरी पैगाम होगा, बाकी और चीज़ें तो हैं और इस ग्लोबल पेंडेमिक से हमें अल्लाह निजात दे, इसके लिए हम खूब दुआएं करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, हम मुझ समेत हम सब जो है अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, हम अल्लाह से मांगें कि अल्लाह वाकई जो हमने वो गलतियां की हैं जिनको हमने गलतियों को हमने गलतियां भी नहीं समझी, मतलब उन उन गुनाहों को भी हमने किया जो हमारी नज़रों में गुनाह नहीं समझे गए, हमने उनको गुनाह भी नहीं समझा। तो या अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हम एतराफ़ करते हैं हम गुनाहगार हैं और इस गुनाह की माफ़ी की बात जो है हमसे, या अल्लाह इस जो ग्लोबल पेंडेमिक है जो कोरोना की जो वबा है, अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत मोहम्मदिया को उससे हमें बचाए और इसको रफा दफा करें। बस ये दुआ करें, जी इंशाल्लाह आने वाले वक्त अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर।